अस्सलामुअलैकुम। जॉब इन्फॉर्मेशन गाइडेंस की तरह रुख शामदीद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब के बेरोज़गार अफराद के लिए शानदार 235 असामियों का ऐलान किया है। इसमें सब इंजीनियर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और लादाद दूसरी पोस्टों का ऐलान हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब का नोटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड करूँ या ऐसी जॉब अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। चलिए चलता हूँ जो आपको आज की जॉब की तरफ। वीडियो हमारे साथ एंड तक देखिएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का और ऑनलाइन इसकी PSIT पेमेंट करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। असिस्टेंट डायरेक्टर आप देख सकते हैं, एक पोस्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन आप देख सकते हैं जी ACCA ACMA। एक्सपीरियंस देख लें आप, अपनी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस आप अपना देख सकते हैं पोस्ट का। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 14 पोस्ट है, मेल फीमेल माइनॉरिटी सबका कोटा इसके अंदर है, मजदूर कोटा भी इसके अंदर मौजूद है। ला की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मेल फीमेल की एज देख लें, डोमिसाइल आल पंजाब है और ये सिलेबस का क्राइटेरिया। अगला जी देख लें एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक पोस्ट है, प्लस 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपको दिया जाएगा एग्रीकल्चर ऑफिसर में। एजुकेशन आप देख लें, BSc एग्रीकल्चर ऑनर एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मस्ट बी आफ्टर एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस आपके पास स्टेम काउंट होगा जब आप एक क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद जो आपने हासिल किया होगा। ये फीमेल के लिए ये पोस्ट है, सिर्फ 38 साल मैक्सिमम एज है। आल पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप रिटर्न सिलेबस देख सकते हैं अपना। अच्छा, इसके अलावा है जी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की BPS 17 की दो पोस्ट हैं, ओपन मेरिट की आल पंजाब है, मेल फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आपने BSc की हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मेल फीमेल की आप क्वालिफिकेशन एज भी देख सकती हैं और ये सिलेबस सामने आपके मेंशन है, काइंडली इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स, इंटरनल ऑडिटर की एक पोस्ट है, MCOM MBA, ये आप जॉब देख लें। इसका क्वालिफिकेशन, इसकी एज आप देख लें, मेल फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकती हैं। आल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से है ये और ये इसका सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है जी। इसके अलावा अगली पोस्ट है जी अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की एक पोस्ट है, ये माइनॉरिटीज कोटे की अकलती उम्मीदवार। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन MCOM MBA आपके सामने है जी, मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब से है और ये इसका सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 पोस्ट हैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन मांगी हुई है, मेल फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब से और ये सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं जी, 80-20 का, 80% आपका MS ऑफिस ICS में से लिया जाएगा, 20% आपका जनरल नॉलेज पार्क सिटी करंट अफेयर उसमें से, ठीक है जी। 16 जी है वन पोस्ट, एक है सपोर्ट ऑफिसर की, रेगुलर बेसिस पर है, परमानेंट जॉब है। MSc कंप्यूटर साइंस ही आपने की होगी या कंप्यूटर की डिग्री आप रखते हो, मेल फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब से एलिजिबल हैं और ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं सिलेबस का। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट सब इंजीनियर की बहुत सारी इसमें पोस्टें अनाउंस हुई हैं। फैसलाबाद की जो हैं 4 असामी हैं, डेवलपमेंट सेक्टर की 30 हैं। इसमें माइनॉरिटीज वुमेन और फीमेल और ओपन मेरिट कोटा आप अपना देख सकते हैं। डोमिसाइल कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, फैसलाबाद वाले अप्लाई किस डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं, गुजरावाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, चिन्नी, ओटोबा, टैक्सिंग और जंग। और ये 30 पोस्टें जो हैं डेवलपमेंट की, आल पंजाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिलेबस इसके सामने मेंशन है। एज क्वालिफिकेशन, एज और ये आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख सकते हैं, एज मेल फीमेल की देख सकते हैं, ठीक है जी। सब इंजीनियर BPS 14 और ये सब इंजीनियर जो आप बता रहे देख रहे थे ये है मैकेनिकल की, आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे सब इंजीनियर सिविल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर परमानेंट बेस पर है। आल पंजाब की देख लें, ये इसका कोटा मेंशन है, ये फीमेल कोटा, माइनॉरिटीज कोटा, वुमेन कोटा, ओपन मेरिट कोटा, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट वैकेंट्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। सिलेबस देख लें जी, डिप्लोमा मांगा है SVET डिग्री सिविल में, मेल फीमेल का एज का क्राइटेरिया और ये इसकी रिटर्न क्वालिफिकेशन, रिटर्न का एग्जामिनेशन सिलेबस है। इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट देख लें जी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, टोटल असामियाँ इसकी 13 हैं। अच्छा जी, मेल फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। MBA आपने किया हो, ये मेल फीमेल आल पंजाब से अप्लाई करेंगे और ये पेपर आप देख सकते हैं, 1 पेपर MCQ पेपर होगा। जनरल नॉलेज डेट ये आप देख सकते हैं जी, कौन कौन चीज़ इसमें मेंशन होगी, आप काइंडली एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ATM के थ्रू, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जैस कैश, इजी पैसा से कर सकते हैं। PSID नंबर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एक PSID नंबर आपको दिया जाएगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। PPSC.gov.pk पे आपने आना है, ये एडवर्टाइजर नंबर 25 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने ऑनलाइन अप्लाई करना, ठीक है जी। ये डिज़ायर पोस्ट है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन अप्लाई करने की एक कंप्लीट वीडियो मैंने सेपरेट बना दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैं दे दूंगा, वो आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं।
वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। इसके अलावा आपने ऑनलाइन इसकी पेमेंट घर बैठे कैसे करनी है, जैस कैश और इजी पैसे के थ्रू, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूबीएल ऐप के थ्रू आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अच्छा जी, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो या आपको ऑनलाइन, इसके अलावा तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैसेज गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बरक मसूल हो सके। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई आपको इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।